Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. I hope you all are doing well. आज बच्चों को जस्ट मैं अभी ड्रॉप करके आ रही हूँ बस स्टॉप में. चले गए स्कूल. थोड़ा सा वॉक कर लिया मैंने, इससे मैं रिचार्ज हो जाती हूँ और घर आ गई हूँ. आज मुझे काफ़ी डीप क्लीनिंग करनी है. जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उसके बाद डीप क्लीनिंग हो नहीं पाई है. ऊपर की जो क्लीनिंग है वो तो डेली हो जाती है. सो इस वजह से यहाँ पे वाइट सरफेस में भी काफ़ी डस्ट डर्ट जम गई है. तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि वाइट एरिया है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा. यहाँ पे तो रोज ही क्लीनिंग होती है, तो ये जो ग्लासेस है ये साफ़ है. और ये सिंथेसाइजर रायन का, ये भी काफ़ी दिनों से क्लीनिंग हो नहीं पाई है. रायन अभी म्यूज़िक प्रैक्टिस नहीं कर रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. सबसे पहले मैं म्यूज़िक ऑन कर लूँगी. मुझे म्यूज़िक सुन सुन के काम करना बहुत अच्छा लगता है. बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कॉपीराइट लग जाएगी, सो मैंने म्यूट कर दिया. क्योंकि पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था यूट्यूब का, मेरे कुछ वीडियोस में कॉपीराइट लग गई थी. सो मेनली जो भी बड़े बड़े शोपीसेस है ये यहाँ पे रखती हूँ मैं. जो डस्ट है ना ये पहले ब्रश से मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद एक डैम्प कॉटन क्लॉथ ले लूँगी, उससे जस्ट जो क्लीनिंग है वो करती जाऊँगी. और ये तो काफ़ी मैं ब्रश से करती रहती हूँ डेली, सो यहाँ पे उतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. और बेटा चला गया था स्कूल, अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 12th एंड बोर्ड के, तो आज राशि नहीं गई है, तो अभी मुझे हेल्प कर रही है. बच्चे रहते हैं तो काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है. सो यहाँ पे सेटअप करने में मुझे आइडियाज़ भी दे रही थी, थोड़ा सा चेंजेस भी करने के लिए बोल रही थी. और ये जगह उतनी डस्ट और डर्ट फ्री है, डेली क्लीनिंग हो जाती है, तो बस सोपीशेस को थोड़ा सा मुझे क्लीन करनी पड़ी. ये लैम्प है ना, इसके जो कॉर्नर्स में इसमें भी काफ़ी धूल है, तो ये भी मैं डैम कॉटन क्लॉथ से कोना कोना अच्छे से साफ कर लूँगी. बहुत मैंने देखा है यूट्यूब में, मतलब ये ट्रेंडिंग लाइट है, अमेजोन से मैंने परचेज़ किया था. और यहाँ राशि भी आ गई है, वो जो ऊपर का जो ब्रश से क्लीन करने वाला ये उसने कर दिया है. अब मैं वैक्यूम से डीप क्लीन कर रही हूँ. और ये जो मेरा होम थिएटर का जाली जैसा होता है ये इसके बिना साफ़ नहीं होता है, वैक्यूम क्लीनर से ही करना पड़ता है. कपड़ों से करेंगे तो उसमें ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, डर्ट डस्ट जो भी है ब्लॉक हो जाएगा. सो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर से ही अच्छे से क्लीन हो जाता है. टीवी का वाइट कैबिनेट मैं क्लीन कर रही हूँ, सोप वाटर से साफ करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी. और साथ साथ होम थिएटर मेरी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है. अब मैं रायन का सिंथेसाइजर साफ कर रही हूँ. जैसे मैंने आपको दिखाया था ये इसमें काफ़ी डस्ट लगी हुई है. कुछ दिनों से बच्चों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं पढ़ाने में बिजी थी. सोप वाटर, थोड़ा सा विनेगर ड्रॉप्स मैंने डाल दिया था, और अभी यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ बस एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से. ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप देख ही सकते हो. हमारे घर में सबको म्यूज़िक बहुत पसंद है, सब गाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट ना नियम से हमेशा हमें क्लीन करना चाहिए. ये मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर इफ़ेक्ट, कितना अच्छा से क्लीन हो गई है. मैंने फिर साफ़ कपड़े से टॉवल से साफ़ कर दिया था. गणेश जी का इसमें काफ़ी जो कट करके डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी धूल जम जाती है. सेम वही सोप वाटर और जो विनेगर थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था उसी से ही मैं क्लीन कर रही हूँ, और आप देख रहे हो एकदम चमक आ गई है. तो बस उसके बाद मैं ये टेबल अरेंज कर रही हूँ. टेबल मेरा ऑलरेडी मैंने सुबह क्लीन कर लिया था. तो बस बच्चे चले गए थे तो ये थोड़ा सा सेटिंग इधर उधर हो गई है, तो ये बस टेबल रनर मैंने लगा दिया, टेबल यहाँ पे सेट कर दिया. हमारा म्यूज़िक स्पीकर, इसमें मैं कभी कभी गाना प्रैक्टिस करते हैं बच्चे भी मैं भी, तो यहाँ पे मैंने लिविंग रूम भी काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया है. बच्चे कभी बुक्स रख जाते हैं या फिर कभी सामान रख देते हैं, तो ये इधर उधर थोड़े से सामान फैला पड़ा हुआ है, तो ये मैं क्लीन कर लूँगी. और ये जो राउंड टेबल है ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है. ये मैंने होम टाउन से परचेज़ किया था बहुत पहले. यहाँ पे इसको सेट कर दिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है.
तो एवरीथिंग मैंने क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर ली है। अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये हमारा डोर ग्लासेस। सो डोर ग्लासेस जो ये मेन लिविंग रूम के ग्लासेस है ना, इससे बाहर का व्यू मैं आपको क्या बताऊँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, जब मॉर्निंग व्यू देखती हूँ ना मैं, तभी इतना रिचार्ज फील करती हूँ खुद को और बहुत एनकरेजमेंट मिलती है मुझे, क्योंकि ये मॉर्निंग सन जो देखती हूँ ये बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं, हार्डली देखने को मिलता है। सो क्लीन ग्लासेस रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये ना क्लीनिंग एक थेरेपी जैसा मेरा काम करता है, और मुझे नीट एंड क्लीन हाउस बहुत अच्छा लगता है। सो ग्लासेस में मंथली एक बार क्लीन करती हूँ या 15 डेज में अगर टाइम मिलता है। बहुत ईजी है, ग्लास क्लीनर भी है मेरे पास, तो इससे क्लीन कर लेती हूँ। हार्डली लगता है 20-30 मिनट्स। ये जो ब्रश है ना वैक्यूम क्लीनर का, ये सारा जब घर क्लीन हो जाता है तो ब्रश को भी मैं एक बार ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, तो जितना भी डस्ट साफ हो जाता है। इसके बाद मुझे लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और सुबह से मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक मेरे लिविंग रूम का, जो आज मैंने क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये वीडियो बनाते समय मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रोसेस में मैंने क्लीनिंग प्रोसेस को पूरा कैप्चर किया है, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे आपके साथ शेयर करने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी।